नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशन पर। क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे लंबा ब्रिज कौन सा है? नहीं नहीं तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊंगा। तो चैनल को देखते रहिए मेरे यानी राजन के साथ। दुनिया का सबसे लंबा ब्रिज जो है ना, वो डनयांग कुनशन ग्रैंड ब्रिज है, जो कि चाइना में स्थित है। इसकी लंबाई 164.8 किलोमीटर है, जो कि बीजिंग शंघाई हाई स्पीड रेलवे का रेल कॉरिडोर, जिसको अपने इंडिया में बोलते हैं, उसका पार्ट है। और यह दुनिया का सबसे लंबा ब्रिज है। इसकी चौड़ाई 79 मीटर है, यानी कि करीब करीब 260 फुट एवरेज। इसकी एवरेज हाइट जो है 30 मीटर है। एवरेज कहने का मतलब ये है कि जैसे किसी ब्रिज का मान लीजिए पिलर है, पिलर की किसी का हाइट 25 मीटर है, किसी का 30 मीटर है, किसी का 35 मीटर है, तो और आइदर मतलब कि ऐसा ही चलते रहता है, अलग अलग हाइट होता है सबको, तो सारे को ऐड करके, सारे पिलर की हाइट को ऐड करके और फिर टोटल नंबर ऑफ पिलर से उसको जब डिवाइड करेंगे तो उसका एवरेज हाइट निकल जाता है, तो हम उसी एवरेज को कंसीडर करते हैं, तो वो एवरेज हाइट हो गया। अब इस ब्रिज के नंबर ऑफ स्पैन की बात करें तो इसमें 2000 स्पैन है। 2000 स्पैन कहने का मतलब ये है कि एक पिलर से दूसरे पिलर की जो दूरी होता है उसको एक स्पैन कहते हैं, तो वैसा स्पैन इस ब्रिज में 2000 है। इससे आप सोच सकते हैं कि इस ब्रिज की लंबाई कितना होगा, कितना लंबा ब्रिज होगा। इस ब्रिज का डिज़ाइन किया था चाइना रोड एंड ब्रिज कॉरपोरेशन ने। इसका कंस्ट्रक्शन 2006 में शुरू हुआ था और शुरू हो गया था, और यह ब्रिज 2010 में बनकर तैयार हो गया था, यानी 4 साल लगा। और इस ब्रिज को 30 जून 2011 को रेलवे के लिए खोला गया था। इसकी बनाने की लागत करीब करीब $8.5 बिलियन था। $8.5 बिलियन लगभग 70,000 करोड़ रुपये होता है, जो कि एक ह्यूज अमाउंट है। ये ब्रिज शंघाई और नानजिंग के बीच एक प्रोविंस है चाइना में, जियांगसू प्रोविंस में ये ब्रिज है। यांगत्से नदी के ऊपर ये ब्रिज बना हुआ है। इस ब्रिज को बनाने में 10,000 लोगों ने 4 साल तक दिन रात काम किया, और ये ब्रिज दुनिया का सबसे लंबा ब्रिज होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 2011 से बरकरार कर रखा है। इस ब्रिज को चाइना रोड एंड ब्रिज कॉरपोरेशन ने डिज़ाइन किया है, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, और ये कंपनी चाइना कम्युनिकेशन कंस्ट्रक्शन कंपनी का सब्सिडरी कंपनी है, जो कि चाइनीज गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड है, फंड किया जाता है चाइनीज गवर्नमेंट द्वारा।